आइए बिना भूमिका के दूसरे कवि की ओर ले चलता हूँ, बहुत ज्यादा लंबी भूमिका बनाने की जरूरत नहीं। हास्य का कवि अगर आता है तो कहीं से भी हास्य निकालने की कोशिश करता है, या आपके आंगन का ही लड़का है, मुगल सराय में इनका ठिकाना है। इनको लोग खूनी बाबा कहते हैं, रोहित पांडे खूनी बाबा, इसने तकल्लुस ही अपना खूनी बाबा रख लिया है। तो मैं चार मिसरे से इसको आवाज़ देता हूँ कि पूछा दुकानदार ने क्या चाहिए जनाब, जो भी कहोगे मेरी दुका से वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, पूछा यहीं पे खाओगे कि लेके जाओगे। एक बार ताली बजाइए रोहित पांडे। रोहित पांडे जी, बहुत बढ़िया। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, माता पिता गुरु के चरणों में वंदन करता हूँ, समृद्ध मंच है इनको नमन करता हूँ। माइक वाले को भी प्रणाम करिए। सच में माइक बहुत अच्छा है, इसलिए माइक को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माइक और वाइफ गजब की चीज है। हाँ। अरे क्या कहने भाई, सामने खड़े हो जाओ तो वो बोलती है, मैं चुप रहता हूँ। हाँ। और माइक के सामने खड़ा हूँ, ये चुप है, मैं बोल पा रहा हूँ। क्या बात है भाई, बात। और सबसे बड़ी बात क्या बताऊं, एक फूर की परी खड़ी थी, वो बैठी है, अब इस लंगूर को खड़ा किया है। प्रयास करता हूं कि उस पे है शुक्र की दशा शायद। अच्छा। उस पे है शुक्र की दशा शायद, मुझ पे चढ़ा सनीचर है। उस पे है शुक्र की दशा शायद, मुझ पे चढ़ा सनीचर है। उसकी आंखों में दिखती है दुनिया, मेरी आंखों में सिर्फ कीचड़ है। और देखिए, मैं पंडित आदमी हूं, हर जगह उपयोग में लाया जाता हूं, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अगर भरोसा ना हो तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। मैं अपने एक मुक्तक देता हूं, सुनिएगा, कि कुछ भी किया इनकार तो झगड़े से मरेगा। कुछ भी किया इनकार तो झगड़े से मरेगा। कुछ भी किया इनकार तो झगड़े से मरेगा, लड़कर के अपने साले से ससुरे से मरेगा। जिसने भी मेरी प्रेमिका से ब्याह किया है, देख लेना एक दिन वो खसरे से मरेगा। बद्दुआ दे रहे हो। देखिए, आपकी तालियां बजती रहें, ऐसा लगे कि मैं आपके घर का, आपके आंगन का फूल हूं और खिल रहा हूं। आप मुस्कुराएंगे तो मैं भी मुस्कुरा पाऊंगा। आंगन में बेहाया कौन लगाता है। कि बीवी मेरी चलती है जब भी जुल्फ झटक के, बीवी मेरी चलती है जब भी जुल्फ झटक के, सब कुत्ते भौंकते हैं कटकटा के कटक के। बीवी मेरी चलती है जब भी जुल्फ झटक के, सब कुत्ते भौंकते हैं कटकटा के कटक के। तारीफ जिस घड़ी मैं उसकी करता नहीं हूं, तारीफ जिस घड़ी मैं उसकी करता नहीं हूं, वो मारती है चार लात मुझको पटक के। अच्छा, क्यों मारती है, उसके लिए भी एक मुक्तक देता हूं कि मेरे ससुराल में पदाधिकारी बहुत हैं। मेरे ससुराल में पदाधिकारी बहुत हैं, छूटे छटके भटके वो जुआरी बहुत हैं। मैं ऐसे ही नहीं डरता हूं अपनी पत्नी से, मैं ऐसे ही नहीं डरता हूं अपनी पत्नी से, मेरी बीबी के भाई शिकारी बहुत हैं। वाह भाई वाह। अच्छा, इतना हो जाने के बाद जज्बात फड़कते हैं भाई, हर घड़ी मार खाता हूं तो कुछ और भी मन करता है। उसके लिए एक मुक्तक लिखता हूं, सुनेगा, कि दिल के जज्बातों को हर रोज जगा लेता हूं। बढ़िया है। दिल के जज्बातों को हर रोज जगा लेता हूं, छुप के बीवी से इलू इलू भी गा लेता हूं। और जब भी आती है मेरी पड़ोसन भी कोई, जब भी आती है मेरी नई पड़ोसन कोई, खिड़कियां खोल के मौसम का मजा लेता हूं। और आइए, मैं अपने बहुत बढ़िया रचना से आपसे मुताबित होता हूं, सुनिएगा, कि मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा। वाह। एक नेता जी हुए सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब के नेता है कहते तुम मुझे खून दो मैं उसे पूरा चूस लूंगा। तब मैं कहता हूं कि मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा। मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा। उसने कहा विचार अच्छे हैं,
मगर राजनीति में भी आप कच्चे हैं। मैंने कहा, अरे भाग्यवान, राजनीति बहुत आसान है, जनता परेशान है, उसकी परेशानियों का झूठा हल बताऊंगा और सबका नेता बन जाऊंगा। उसकी परेशानियों का झूठा हल बताऊंगा और सबका नेता बन जाऊंगा। फिर क्या, मुझे फोन आने लगे, हम भी हर जगह जाने लगे, कई जगह काटे फीते, कुछ का किया लोकार्पण, हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। आप चंदौली के नेताजी से समझ सकते हैं कि कई जगह काटे फीते, प्रमोद भैया इस सबसे अच्छा समझ पा रहे हैं, उनकी बात है कि कई जगह काटे फीते, कुछ का किया लोकार्पण, हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। इतने में एक फोन आया, विसंगतियां सुनिएगा भैया, एक फोन आया, एक शव यात्रा में मुझको बुलाया गया, मुख्य अतिथि मुझको बनाया गया, संवेदना के आंसू बहाने हैं ऐसा मुझको बताया गया। मैंने भी आओ देखा ना ताव, बिना जाने जनता का भाव, बाह चढ़ाते हुए मुंह को खोला, बड़े अच्छे आदमी थे ये बोला। वाह, ये सुनते ही आपस में लोग फुसफुसाने लगे, मेरी तरफ देख मुस्कुराने लगे। फिर मैंने कहा, चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा। फिर मैंने कहा, चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा। इतने में मेरे पीए ने मुझको टोका, आगे बढ़ने से रोका, लाश की तरफ इशारा करके दिखाया, कुत्ता मरा पड़ा था ये मुझको बताया। क्या बात है, कुत्ता मरा पड़ा था ये मुझको बताया। मैं अपनी बेइज्जती को भांप गया, नंगे पांव वहां से भाग गया। तब मैंने ये जाना बहुत कठिन है राजनीति कर पाना, अब मैं राजनीति नहीं कर पाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा। बहुत अच्छे,